Hi. One second. Hi, baby. Hi, 10 people. How nice. Hi, John. You know, na, sometimes I can be a little messy, but I love you and I miss you so much. Wait a second. Okay, what I'm looking at here is two. Hi. Go. Nice. Hi. Hi, मेरी जान, हाउ आर वी डूइंग टुडे? क्या हाल चाल है? आपको पता है, हाय विद्या, हाय मुनावर, सो गुड टू सी यू यार. इट्स अ प्लेजर 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 मीटिंग यू ऑलवेज. आई लव यू. एंड नाउ यू नो व्हाट आई एम गोना डू? आई एम गोना सिंग सॉन्ग्स फॉर यू. वुड यू लाइक दैट? आप क्या चाहते हैं विद्या? आप लोग मुझे बताइए. जो गाने हम हमेशा सुनते हैं वो सुनेंगे या कुछ नया सुनते हैं? नया सुनना अच्छा है ना? है ना सुगन्या? व्हाट डू यू थिंक? है ना विद्या? इट्स अ गुड थिंग, राइट? ओके, वेट, लेट मी कनेक्ट इट टू द ब्लूटूथ. से कनेक्ट कर लूँ एक बार? मेरे फोन में ना ये शो नहीं कर रहा है, यहाँ इस वाले फोन में. ओके, आई एम नॉट गोना ट्राई दिस. हेलो, हाय, सॉरी सॉरी. All right, so I'm going to sing a song for you here. Would you be interested in that? Who else is here? Hi, hi everyone. एक बार हाय तो बोलो. कौन कौन है? Who all are there? Who all is there? Hi. I missed you. I know which one to sing for you. आपको मेरे साथ गाना पड़ेगा. Do you want to listen to this? कि कहीं हमें यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए. बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए. यार अभी इसको क्यों रुकना था? महकी महकी क्या करूं? बेकरार करके हमें यूं ना जाए,
आप तो हमारी कसम लौट आए। Like this song? Do you? Yes. Dekhi gulab ki udaniya, tumne mera apke kadam. I don't want to do this. Mehki mehki nazaron se khud ko bachaiye, aapko hamari kasam laut aaiye, beqarar karke hame yun na jaiye. आपको हमारी कसम लौट आइए। Damn, 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 damn. What's up, my dear sweetheart? कैसे लग रही है मैं? How do I look? How do I look? What's up? Hi, who else is there? बात करिए. Come on. Come on, मेरे बच्चा. क्या हो रहा है? पता है क्या है, बात क्या है? हाय अशर, सो गुड टू सी यू. आई टेल यू व्हाट इट इज. मैं ना सब्वे खा रही थी ना, तो मेरे गंदे हाथ लग गए इस पे, एंड आई थिंक द कैमरा गॉट डर्टी. सी नाउ आई विल शेयर. पास आओ ना, और कितना पास आओ ना. हाय, हेलो. आज बात करने का मन नहीं आपका? हाय विशाल, हाय अशल, हे डार्लिंग. ऐसे मत करिए ना, फिर मेरा मन होता है कि मैं चली जाऊं, पता है. मेरा मन करता है कि मैं जल्दी चली जाऊँ आपको छोड़ के. डू मम्मी देखो, डू मम्मी देखो. कम ऑन बेबी, टॉक टू मी नाउ, व्हाट्स गोइंग ऑन. हाय अशल, अशल दैट्स बीन वेरी वेरी स्वीट ऑफ यू दैट यू आर द ओनली वन हु इज ट्राइंग टू टॉक. क्या हुआ आज विद्या, हाउ वाज योर डे, हैव यू बीन गाइस ऑलराइट, सब ठीक चल रहा है ना. Hi Bhagwan, what's up? Pal pal dil ke paas. Pakka interest hai to bolo, mere ko khush karne ke liye mat. I am here to make you happy. You really want to listen. You really want to listen to it with them? Then only tell me. Can try that song, can we? Hai na? आपको पता है, हाय सांबा, 5 बजे की उठी हुई हूँ मैं आज सुबह. Love you too. Vidya, you are the sweetest. Hi Kishori. Hi darling. Hi 40 people. Hello darling, darling.
थैंक्स विद्या, आई एम ग्लैड यू लाइक इट. पक्का आपको अच्छा लगा? अच्छा ये बताइए, आज है वुमेन्स डे कि कल है? हैप्पी वुमेन्स डे. हाय मेरी जान, क्यों बात नहीं कर रहे हैं आज हम लोग? थैंक यू अनम, आज हमारी बातें क्यों नहीं हो रही है? अच्छा इसीलिए उमर. नहीं हम लोग ने चेंज टुडे, उमर नहीं है. बट व्हाट कैन वी डू टुडे, व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग? आज नहीं आना चाहिए था क्या मुझे लाइव? एक्चुअली एक चीज ये भी है कि मेरे को ना मेरी आंखें जल रही हैं और जोर से फीलिंग लाइक टायर्ड. I love you. आज मैं ना घर पे पूरा दिन अकेली थी और 5 बजे उठी हूँ ना मुनावर, 5 बजे उठी थी सुबह. हाय आशा, that's why. पता है मैंने ना एक फिल्म देखी जिसका नाम है सोल, डिज्नी हॉटस्टार पे वो फिल्म है. लाइफ के बारे में बहुत अच्छे लेसन्स हैं उसमें. आई वुड सजेस्ट कि अगर आप सोच रहे हो कि कौन सी फिल्म देखें या कौन सी सीरीज देखें, सीरीज में क्राउन इज अ वेरी गुड वन एंड फिल्म में ना सोल करके फिल्म है, एनिमेटेड फिल्म है, SOUL, जरूर देखिएगा. बहुत अच्छी फिल्म, बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म है. इट्स वेरी नाइस. हाय पेडी दिनेश, हाय डार्लिंग, हू एल्स इज देयर? देखो तुमसे प्यार हुआ पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ. सुबह फैन कहाँ गायब थे आप इतने दिनों से? मैं भी आशिक यार हुआ पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ. चाहिए व्हाट्स अप. Hi, super fan. Mwah! Vidya, I love you so much. सच में मैं सोच रही हूँ मुझे ना आपकी इतनी आदत हो गई है ना विद्या. कल के दिन विद्या, मुनावर, सुकन्या एंड बाकी के जो लोग बहुत रेगुलरली आते हैं सुपर फैन भारत, अरे बाप रे इतना गुस्सा. आप लोग अगर नहीं आएंगे तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगेगा पता है. वैसा होता है ना किसी लवर के साथ में, आपको जब आप उनके साथ रहते हो तो आपको नहीं पता चलता कि वो कितने इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, लेकिन जब वो आपको छोड़ के चले जाते हैं या जब आप उनसे दूर हो जाते हो तो आपको समझ में आता है कि यार एक एक दिन काउंट करता है, एक एक आवर, एक एक मिनट काउंट करता है. सो देयर इज ऑलवेज मोर टू इट यू नो, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट योर्स एंड माय रिलेशनशिप इज नॉट जस्ट अ फैन रिलेशनशिप, वैसा वाला नहीं है. आई फील फॉर यू, यू फील फॉर मी. इतने हमें एक साल हो गया यार, मजाक है यार. हाँ बाप रे विद्या, इट्स 1 year 365 फकिंग डेज. बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं मैंने आपकी जिंदगी के, पता है ना आपको. हाँ बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी कामा सूत्र की सेक्सी सेक्सी बातें, बहुत सारी साड़ियाँ, बहुत सारे लुक्स, बहुत सारी नाराजगी भी. कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं लाइफ पे आई हूँ एंड आई एम लाइक आई एम अपसेट एंड आई एम टेलिंग यू, यू नो व्हाट, आज मेरा दिन अच्छा नहीं रहा तो इसलिए मैं लाइफ पे आ गई, मेरे को संभालो. एंड आप लोगों ने मुझे संभाला भी है. कितने दिनों तक, महीनों महीनों तक हमने कैंडल्स जलाए हैं, है ना मुनावर? हाई फाइव टू यू विद्या. कैंडल्स जलाए हैं, लोगों के लिए प्रेयर्स की है, अच्छी अच्छी सेक्स वाली बातें भी की है ना. बहुत हॉट भी लगी मैं कई बार, एक्सट्रीम हॉट, याद है? And I used to roll on the bed. यहाँ पे एक बार candle जला करके I was wearing that red blouse and white साड़ी. Initially जब lockdown शुरू हुआ था, कपड़े आपको मालूम है कैसे order करती थी मैं? Amazon से, फिर कभी किसी friend से मांग करके, कभी भाभी से मांग करके, और sports bra को blouse बना करके पहना था. बिंदी तक नहीं मिल रही थी मुझे उस time पे, सब कुछ बंद था. कैसे ना कैसे करके manage किया. वो भी क्या दिन थे, क्यों यकीन हो रहा है हमने वो सब चीजें देखी है actual में for real.
ना? और देखो सब कुछ कितना जल्दी ठीक हो गया। अभी देखने पर लग रहा है कितना टाइम हो गया हमको, नहीं ना? इसीलिए अगर अभी भी तकलीफ में हो ना, आपको आइडिया नहीं है, आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, आप ये देख नहीं पा रहे हो कि आगे जाके लाइफ कितनी कमाल की होने वाली है, पता भी नहीं चलता कब तकलीफ है। अचानक से एक कोई दिन ऐसा आएगा जहां पे आपको एक फोन आएगा एंड दे विल से दैट यू नो व्हाट, वी रियली वांट टू हैव यू ऑन बोर्ड, एंड वो दिन आपकी जिंदगी को बदल देगा। या कोई एक ऑडिशन ऐसा होगा जो कन्वर्ट हो जाएगा एंड आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। वेट फॉर दैट डे। आई नो लाइफ बड़ी प्लेन सिंपल मोनोटोनस है ना विद्या? और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और भी अच्छा। और इमेजिन करो अभी से 5 साल बाद, 6 साल बाद कहाँ पर होगे आप? ऊंचाइयां छू रहे होगे मेरी जान। द वर्ल्ड विल नो योर नेम, एवरीबडी विल नो यू, अंडरस्टैंड? यू विल बी हेल्पिंग पीपल। अच्छा विद्या, आई वुड नीड योर हेल्प। बाबा अभी टैक्स भरने वाला टाइम आ गया, मेरे को बताओ हाउ टू सेव टैक्स। मेल मी, या और बताइए मेरी जान। हाय पहली दिनेश, हे विद्या, नहीं बात करेंगे ज्यादा आज आप लोग। हाय अभिनंदन, आई लाइक योर नेम, बिग किस, बिग बिग किस। हाय धर्मेंद्र, यू आर माय फेवरेट टू, आई लव यू, आई लव यू। और अभी तो आपको बताया है ना मैंने कि हम वन ऑन वन ग्रुप कॉल कर सकते हैं, मतलब नॉट वन ऑन वन ग्रुप कॉल एज इन वीडियो कॉल, तो आप यहाँ से अन्वेषण ऐप से बुक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करनी है ना मुझसे, तो आप टैग मैंगो में मंथली सब्सक्रिप्शन करो वहाँ पे, और जो भी इश्यूज हैं यू कैन इजीली आस्क मी एंड आई विल बी अवेलेबल ट्वाइस अ मंथ ऑन जूम कॉल, मतलब ग्रुप कॉल। याद है एक बार हमने किया था यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग थे, बहुत मजा आया था, याद है? इट्स गोना बी दैट काइंड, सबकी इंटरेक्शन होगी, सब आपस में बात करेंगे, दोस्त बनेंगे, नए लोगों को जानेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, अकेलापन कम लगेगा थोड़ा सा। आई नो यू आर लोनली, तभी तो यहाँ आते हो ना। मैं भी वैसा फील करती हूँ, इसलिए मैं भी यहाँ आती हूँ, हम एक जैसे ही तो हैं। पता है एक पॉइंट के बाद ना मुझे लगता है कि द गोल चेंजेस। एक टाइम होता है जब आप पैसा चाहते हो, पैसा 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 पैसा, एक टाइम होता है जब आपको लगता है कि नहीं यार, सच्चे लोग, सच्चा प्यार और मेंटल पीस। अभी मैं आपके साथ ना मेंटल पीस के लिए आती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बात करके। आपने देखा कभी कि मैं तो कोशिश भी नहीं करती यार एक्स्ट्रा, अभी अभी मेरे से होता ही नहीं है। शुरू शुरू में जब हम आते थे, हाय पहली दिनेश, वेलकम, यू आर एडोरेबल, आई लव दैट पिक्चर, यू म्यूजिशियन, हाउ नाइस, सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, कॉल मी ऑन वीडियो सम टाइम एंड सिंग अ सॉन्ग। अच्छा वेनम तो ऑब्वियसली आई नो यू। हाय नितिन जॉय, इज गुड टू सी यू अगेन डार्लिंग, कहाँ चले गए थे बीच में, वेयर डिड यू गो? सो मैं बता रही थी कि पहले ना हमारा लाइव सेशन 45 मिनट्स का होता था, एक एक घंटे का होता था, एंड बहुत सारे लोग रहते भी थे। 6 बार कपड़े बदल रही हूँ मैं, गाने गा रही हूँ, सीन बहुत मजे आते थे। अब लगता है कि नहीं, एकदम सेटल, रियल अच्छी बात है, बिकॉज दैट्स वॉट यू नीड एंड दैट्स वॉट आई नीड, है ना? एंड ऑफ कोर्स सेक्सी, दैट्स नेवर गोइंग अवे, दैट्स नेवर गोइंग अवे, है ना किशोर? किशोर, आपका नाम किशोर है किशोरी है? उससे याद आया, नाम गलत लेने में ना मैं माहिर हूँ। मैं मुनावर का नाम मुनब्बर बोलती रही बहुत लंबे टाइम तक, मेरा भाई अभी तक इस बात का मजाक उड़ाता है, आपको पता है। जाओ मैं अब सीरियसली, अभी भी मजाक उड़ाते हैं कि इसको देखो, 1 साल तक उसका नाम गलत लेती रही, उसने भी करेक्ट नहीं किया और इसको भी पता नहीं चला दैट शी इज प्रोनाउंसिंग हिज नेम रॉन्ग। फनी, तुझे बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब, तो जुदा हो तो लगे आता जाता हर
इस जहां में है और ना होगा मुझसा कोई भी खुश नसीब। तूने मुझको ले लिया है, मैं हूँ तेरे सबसे करीब। मैं ही तो तेरे दिल में हूँ, मैं ही तो सांसों में बसूं, तेरे लगे धड़कनों में मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। बोलो ना, क्या हुआ? क्या हुआ तेरा वादा? पता है, अचानक से एक इंसिडेंट याद आ रहा है। मैं इंदौर में रही हूँ ना काफी टाइम तक, तो वहां पे ना एक बार को एक म्यूजिक वीडियो बनना था, और क्योंकि मैं थिएटर आर्टिस्ट थी तो किसी ने कास्टिंग की हमारी बिना पैसों के, हमें शूट पे ले जाया गया। और उसमें ना इट वॉज नॉट अ म्यूजिक वीडियो एक्चुअली, इट वॉज अ पायलट ऑफ सम सीरियल। तो उसमें मेरे को भागना था, एंड मतलब ऐसा वाला नहीं होता, खुद के कपड़े, खुद का सब कुछ, बस एक कैमरा सेटअप है, जीरो बजट है, कोई पैसे नहीं मिलने वाले, बट क्योंकि आप पैशनेट हो, आप एक्टिंग करना चाहते हो तो आप कर रहे हो, छोटा मोटा काम चल रहा है। तो मुझे याद है हम लोग ना इंदौर हाईवे में थे, दोपहर का 2 बज रहा होगा, और उसमें ना रनिंग शॉट था, हाईवे में मैं भाग रही हूँ और आगे से डॉली कैमरा इज चेजिंग मी, मतलब कैमरा फिक्स है कार में, वो चेज कर रहा है मुझे ना, रनिंग। तो एक फ्रंट कैमरा था, उस टाइम पे भागते भागते ना हालत टाइट हो गई थी, लेकिन एक ख्याल मन में जो आया वो ये कि यार यही करना है लाइफ में। मतलब इतनी अमेजिंग फीलिंग थी ना टू बी ऑन सेट, टू मतलब डू समथिंग, टू एक्ट बेसिकली। तब से मुझे लगता है कि वो एक जो थॉट होता है ना सपने पूरा करने का, वो और ज्यादा स्ट्रांग बन गया, और मैं भाग कर आ गई बॉम्बे। आपको मालूम है ना मेरे घर वालों को नहीं पता था, 2 साल तक मैंने झूठ बोला है, उनको लगता था मैं इंदौर में हूँ जबकि बॉम्बे में स्ट्रगल कर रही थी। आप यकीन नहीं मानोगे, जो रैंडम मैसेजेस आते हैं ना न्यूज़पेपर में आते हैं कई बार, कई बार व्हाट्सएप पे आते हैं, कई बार फेसबुक में दिखते हैं कि लुकिंग फॉर गर्ल फॉर अ प्रिंट शूट, ऐसा ऐसा, 2,000 रुपये का बजट है, 3,000 रुपये का बजट है। मैं इंदौर से बस पकड़ के बॉम्बे आ जाती थी उन फर्जी लुक टेस्ट की चीज़ों के लिए। बाहर वालों को नहीं पता रहता ना कितना क्या रियल है नहीं है, क्या वर्दी है क्या नहीं है। मैं ऐसी आ जाती थी, पता है, 800 रुपये लगा करके बस से आती थी सुबह, ऑडिशन देके रात तक वापस, रुकने का पैसा ही नहीं था, वहां से शुरुआत हुई थी। यार कैसे इंसान केपेबल होता है ना, मुझे याद है मैं कितना डरी हुई थी जब मैं शिफ्ट हो रही थी बॉम्बे। माय गॉड, फक, मेरी, मुझे अभी भी याद है मेरे कपड़े सारे जल गए थे ना, मेरे घर में आग लगा दी गई थी, तो कपड़े नहीं थे मेरे पास। एक नीला टॉप खरीदा मैंने, और उस नीली टॉप को पहन करके मैं एक हैंडबैग लेकर के बॉम्बे आई थी। कपड़े नहीं था, कुछ लाने का सामान नहीं था, मेरी इतनी फट रही थी ना ट्रेन बस में, सो स्लीपर बस होती है। सुबह जैसे मैं बॉम्बे पहुंची, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जाना कहाँ है लैंड होने के बाद। मतलब आप सोचो, आप बॉम्बे में उतर रहे हो बिस्लरी बस स्टैंड पे, और वहां से कहाँ जाना है नहीं पता। और मैं इतनी स्टूपिड थी ना कि मैं लैंड होने के बाद में मैंने फोन घुमाए लोगों को, कि जिनको मैं जानती थी, आरे से आरा लोग सुबह 9 बजे बस लैंड होती थी, उठे नहीं होते थे। फिर मैंने भाभी को फोन किया, अपने एक्टिंग वाले सर को फोन किया, फिर 2-4 फ्रेंड्स थे उनको फोन करा, तब जाके फिर मैं बोरीवली में रहती थी। अमेजिंग है यार, आपकी क्या स्ट्रगल स्टोरी है, आपने कैसे शुरुआत की, जरा सोचिए ना अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में। कोई भी अचीवमेंट, छोटी बड़ी, फेल हुए सक्सीड हुए फर्क नहीं पड़ता, बट कहाँ से शुरू किया। बट जो फटती है ना, जो डर लगता है ना अंदर अंदर, ऐसे लग रहा होता है कि दिल निकल के बाहर आ जाएगा। रियली किसी को बिना बताए इतना बड़ा स्टेप ले लिया मैंने, और कई बार लिया ऐसे स्टेप, कई बार, बट देखो कितना रिवॉर्डिंग है ना रिवॉर्डिंग। इसलिए अगर आप रिस्क लेने का सोच रहे हो ना, तो ले डालो, मत सोचो। देयर इज नो राइट टाइम, देयर इज नो राइट और रॉन्ग, सब परफेक्ट है, समझ गए। करो अपने मन का, आई प्रॉमिस यू,
आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा 100%। मतलब कट टू मतलब वो हुआ, मैं भाग करके आई, घर पे बताया नहीं, झूठ बोला 2 साल तक, ऐसा वैसा। बीच में मेरे रिश्तेदार मिल गए मुझे बॉम्बे में, घर पे शिकायत चली गई कि अन्वेश तो बॉम्बे में थी, फिर मैंने झूठ बोला कि मैं तो इवेंट के लिए आई हुई थी। कट टू 2 साल के बाद में जब मेरा शो आया गुड़िया की शादी, मैं वीडियो डालूंगी उसका, मम्मी पापा बैठ करके आम खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं ऐसे करके, मम्मी मेरी रोए जा रही टीवी पे मेरे को देख के, मेरी एक्टिंग को देख करके, दे आर क्राइंग। और वो जो फीलिंग थी ना अपने आप को साबित करने वाली, और घर वालों ने बोला, पीठ थपथपाई, बोला यार तुलसी बहुत अच्छा काम किया, तुम बन गई यार, तुम तो फेमस हो गई, वो जो फीलिंग थी उसके पीछे तो मतलब मैं नरक होकर के आ जाऊँ, पता है। इट वॉज अमेजिंग। हाय पेटी दिनेश, सो मेक योर सेल्फ प्राउड, कीप गोइंग। इवेंचुअली कोई साथ देने वाला है नहीं, माँ बाप भी नहीं देंगे, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू मेक देम बिलीव। स्टार्ट करो खुद की जर्नी, जो ठीक लगता है वो करो, कन्विक्शन के साथ करो, पैशन के साथ करो, दैट्स इट। है ना दिनेश, यू अग्री विद मी? डू यू अग्री विद मी? आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, यू ऑल विल डू ग्रेट, फिनोमिनली ग्रेट। या बाय बेबी, गुड नाइट, बाय बाय बाय।